similarly, ASI group of companies जिसने बहुत कम अरसे में अपने विजन, अपने आइडियाज और अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित किया है पूरे पाकिस्तान में, उस पर हम सलाम पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड देखा गया है कि बहुत कम जो बिल्डर्स हजार हैं या वो लोग जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनका बहुत कम फोकस होता है रूरल एरियाज के अंदर शेल्टर के प्रोडक्ट्स पे वर्क करना। चूँकि हम अगर अपनी आबादी को देखते हैं या अपनी ज्योग्राफिकल पोजिशन को देखते हैं, इट्स मोर देन 70% हमारा जो एरियाज है वो रूरल पर डिपेंड करता है, तकरीबन 30% हमारा एरिया है वो अर्बन पर डिपेंड करता है। तो जैसे अर्बन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डर्स काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और पर्टिकुलरली ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जहाँ पे लोगों का जो लिविंग लाइफस्टाइल वो बेहतर हो रहा है। सबसे पहले तो सना हमारा इनिशिएटिव ये था कि लोगों को बैंकिंग नेटवर्क में लेकर आया जाए। HBFC के जो एक्स चेयरमैन है ज़ैलम रिजवी साहब, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो चेयरमैन टू टास्क फोर्स भी हैं इसी मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम में। तो बहुत सारे जो इश्यूज़ वो ये हैं कि लोगों की अवेयरनेस का कुछ इशू है और आपको पता है जैसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आप अवेल कर सकते हो और जो सिर्फ अवेयरनेस की वजह से आप अवेल नहीं करते। तो कंपनी की पॉलिसी ये है जो हमने जो अपना एक SOP बनाया हुआ है, हमने तमाम बैंक्स को अपने पास ऑनबोर्ड कर लिया। जैसा आपने देखा बैंक इस्लामी, मिज़ान बैंक, MCB और इस तरीके से हमारे पास तमाम बैंक्स मौजूद हैं। इन बैंक्स के हमने क्योस अपने पास लगा दिए, जो भी हमारे पास इवेंट्स में लोग आते हैं वो जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि हाउ टू अटेन लोन फ्रॉम दीज बैंक्स और क्या उसकी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है और किस्त कितने टाइम में वो मिल सकता है। आफ्टर लोन लेने के बाद कि क्या सिनेरियो होगा, लोन लेने के बाद का क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से मजीद जो है क्या उनको ये भी आगाह किया जाता है कि अगर आपने लोन ले लिया उसके बाद आपने क्या करना है। जब आप लोन ले लेते हैं और आपको घर मिल जाता है, आप अपने घर पर शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप जहाँ पे आप रह रहे थे घर, जब उसके पास अपना घर नहीं है, इसका मतलब वो किराए के घर पे रह रहा है। किराए का भी अगर कराची में भी किराए पे रहता है तो मिनिमम भी 12-15 हज़ार किराया देता है छोटा घर में, वो अब इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे रहा होगा। 20 साल तक का लोन है, जो मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 20 साल है, मिनिमम जो है वो 5 ईयर्स है। 20 साल तक का आप लोन लेते हो, आप किसने भरते हो और बीच में किसी टाइम पे भी आपको लगता है आपकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आपने बैंक में मॉर्गेज रखा हुआ है, प्रॉपर्टी तो आपके नाम पर है लेकिन उसकी फाइल बैंक अपने पास रखता है जब तक आप पे ऑफ नहीं करते बैंक के सारे पैसे। तो जिस टाइम पे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सारी आप पेमेंट क्लियर कर देते हो तो आपको फाइल आपके हैंड ओवर हो जाती है बैंक में। बीच में इस दौरान कभी भी आपके पास पैसे आ जाते हैं और आप चाहते हो कि बैंक को आप पे ऑफ करना चाहते हो या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, आप दूसरी प्रॉपर्टी उसको बेच के शहर में कोई प्रॉपर्टी या रेंट खरीदना चाहते हो, तो आप बैंक को पे ऑफ कर सकते हो, एक्चुअल जो कैपिटल बैंक है वो वापस कर दे। तो बैंक की अभी एवरेज हम जो इस स्कीम के तहत जो आपने जो बैंक को जो रेंटल कीमत पे देने हैं वो देने 5% पर ईयर, और कराची की जो प्रॉपर्टी की जो एवरेज ग्रोथ होती है वो होती है 20% एवरेज ग्रोथ है 20% साल की। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आप 50 लाख की खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी 20% बढ़ेगी, मतलब 60 लाख रुपए 10 लाख रुपए बढ़ जाएंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक साल में। मिनिमम ये रेशियो है हमारी प्रॉपर्टी का कराची के अंदर, चाहे वो रिमोट एरियाज की जब सुजानी में हो, चाहे विद इन सिटी हो तो ज्यादा रेंज पड़ती है। अगर आप इसकी 45 है नेशनल हाईवे पे तो वहाँ पे भी 20% रेट पड़ती है, और जो 5% आपने देना है वो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए सिर्फ देने आपने साल में, एक साल में जो बैंक को देना। आप सोचो कि आज आपने 30 लाख रुपए ले लिए, एक साल बाद आपकी प्रॉपर्टी के 10 लाख रुपए रेट बढ़ गए, आपने प्रॉपर्टी अपनी बेच दी 2.5 लाख रुपए एक साल में बैंक को दिए, बाकी कैपिटल बैंक का दिया, आपको तो भी प्रॉफिट आया। तो अवेल हर किसी को अवेल करना चाहिए, ये एक ऐसी स्कीम है जब गवर्नमेंट देना चाह रही है तो आपको चाहिए कि इसको अवेल करें इस लोन को। 5% का मतलब है हमारा जो स्टेट बैंक का रेट है वो भी 12.5% है। बिल्कुल, और तमाम तो स्कीम में तभी कामयाब होगी जब इसकी सही तरीके से जो है वो अवेयरनेस भी जाए, और यहाँ पर जिस तरह से ADI ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो आवाम तमाम जितने लोग हैं उनको अवेयरनेस फराहम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है।